असलम शेख की रिश्तेदारी। खुद नवाब मलिक ने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रियाज भाटी के नाम का जिक्र किया। ये रियाज भाटी का फोटो है, ये उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ। रियाज भाटी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर रह चुके हैं। इस रियाज भाटी को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का मेंबर किसने बनाया? एनसीपी के लीडर शरद पवार जी। अगर ये अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है तो असलम शेख और उसका परिवार भी अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के लोगों के साथ कनेक्टेड हुआ, क्योंकि रियाज भाटी उसका रिश्तेदार है। असलम शेख का अपना संधी यानी उसकी बेटी का, जिसके बेटे के साथ विवाह हुआ, शादी हुआ, अहद खान, और रियाज भाटी की बहन अहद खान के साथ उसका निकाह हुआ। तो मैं तो मांग करूंगा इस सरकार से कि ये दोनों मंत्री की जांच कराई जाए, उनके परिवार के लोगों की जांच कराई जाए कि इनके संबंध दाऊद इब्राहिम से और आईएसआई के साथ क्या है। वैसे तो मैं 5 दिन के बाद इसका पूरा खुलासा दूंगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं बैठूंगा मीडिया के सामने और इनको लोगों के सामने नंगा करने का काम करूंगा। लेकिन सरकार भी अपना काम करे कि इस तरीके का झूठा और बेबुनियाद आरोप लगा करके लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जिनका चरित्र खुद चरित्रहीन है, वो दूसरों पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे इतना ही कहना था मैं, लेकिन नवाब मलिक के इस आरोप को लेकर के अंडर सेक्शन 499 500 आईपीसी के तहत नवाब मलिक को इस बात का कोर्ट में आकर के जवाब देना पड़ेगा। आपको अगर कुछ सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं। हैदर जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि नवाब मलिक की के रिश्तेदार अंडरवर्ल्ड से संबंधित हैं, उनका क्या आपके पास प्रमाण है? मैं वो प्रमाण आपको आने वाले 5 दिनों में दूंगा। आज उन्होंने मुझ पर जो बातें कही है उसका खुलासा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नवाब मलिक और असलम शेख के जो रिलेशन, रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है, उन दोनों का खुलासा मैं 5 दिनों के बाद विद प्रूफ करूंगा। लेडी कौन सी है जिसका नाम आप कह रहे हैं उसका संबंध दाऊद से भी है, आईएसआई से भी है, उसके बारे में लेडी कौन सी नवाब के घर? नवाब के घर में उनके भाई की पत्नी, भाभी, उस नवाब की भाभी या बहू, क्योंकि वो शायद छोटा भाई है, उसके संबंध, उसकी रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है। और सिर्फ रिश्तेदारी नहीं बल्कि आईएसआई के साथ भी संबंध है, इसका खुलासा मैं करूंगा आने वाले दिनों। देखिए, कुछ चीज़ें हमारी जानकारी में नहीं थी, हमने उसके लिए जानकारी लेना इकट्ठा शुरू किया, अब हमारे पास उसकी जानकारी आनी शुरू हो गई है, इस वजह से उसका खुलासा हम करेंगे। देखिए, उन्होंने क्या किया, जिसके संबंध, जिसके घर खुद शीशे के हैं, वो तो दूसरों पर पत्थर मारने का काम कर रहे हैं। हैदर भाई, आपने कहा कि पत्नी के हाथ में है, लेकिन नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया कि हैदर अलम की दूसरी पत्नी जो है वो बांग्लादेशी है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या दूसरी निकाह आपने की है और क्या वो बांग्लादेशी है? पत्नी पत्नी होती है हमारे यहाँ, पहली दूसरी का कोई सिस्टम नहीं होता है। उन्होंने जिसके बारे में कहा है वो बिहार से है, बिहार के नालंदा जिले से है और इस्लामपुर गांव से है। सर, अपनी दोनों वाइफ के बारे में बता दीजिए, पहली कहाँ से, दूसरी कहाँ से है? पहली हमारी वो भी बिहार से है, छपरा मुंबई से है। नाम बता दीजिए। रेहाना हैदर आजम
ये मालवनी में इसके खिलाफ केस भी हुआ था जिसे देवेंद्र फडणवीस ने के कहने पर सेटल किया गया, ये जो आरोप है इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कोई केस नहीं हुआ है और ना इस तरीके का कोई बात है, ये झूठा और बेबुनियाद आरोप है। नवाब मलिक जी ने कहा कि मलाड पुलिस स्टेशन ने इंक्वायरी की थी आपकी पत्नी की और कलकत्ता में उसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि भाई उनका कोई प्रूफ इधर नहीं है कलकत्ता का। देखिए ऐसा है कि अगर इंक्वायरी हुई थी और अगर मैं तो बोलता हूँ अभी भी सरकार उनकी ये जांच करे और जांच में अगर पाया जाता है तो वो बांग्लादेशी है तो बिल्कुल उसको बॉर्डर पर छोड़ करके आए, मैं खुद जा करके छोड़ के आऊँगा। लेकिन वो भारतीय नागरिक है और शायद उनको नवाब मलिक को ये नहीं पता है, आज सानिया मिर्जा भारतीय होकर के पाकिस्तान में जाके शादी की है ना, हमारे भारत के कानून के हिसाब से भी उनकी जानकारी में कमी है, वो थोड़ी जानकारी ले ले। और ये तो सरासर बेबुनियाद आरोप है। नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक की पत्नी की तो बात नहीं कर रहा, मैं उसका खुलासा आपको 5 दिन में करूंगा। उनके परिवार के लोग हैं जिनका दाऊद के साथ रिश्तेदारी है और सिर्फ रिश्तेदारी नहीं आईएसआई के लोगों के साथ भी संबंध है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।